अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हमजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल हमजा। आज की जो वीडियो है, हम कोटक से फिर से अपनी लाइव ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल टेक्निकल हमजा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन तक पहुंच जाए। अगर अभी तक आपने कोटक ज्वाइन नहीं किया, लिंक मैंने जो है यहाँ पे अपने चैनल पर कोटक का दिया हुआ, यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो विदाउट वेस्ट किए टाइम वीडियो करते हैं अपनी शुरू। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, मैं जरा यहाँ पे पेयर अपना चेंज करता हूँ। ओके, यहाँ पे कैंडल तो बनी है। ओके, फिलहाल मेरे मतलब की कैंडल नहीं मिल रही है कि यार मैं यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकूँ। ओके, यहाँ पे जो है लेवल्स यहाँ से उठाते हैं, इसको करते हैं कॉपी। ठीक है, और इसको उठा के ये लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा हमने लेवल लगाया, पहले भी यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, अब भी यहाँ फिर दोबारा यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, अगेन यहाँ पर मार्केट पहुँची। अभी देखते हैं कि यार हमें किस तरह का कुछ साइन मिलता है। अब यहाँ पे अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, अब नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री सिर्फ एक सूरत में लग सकती है, अगली कैंडल स्पीड से ऊपर की तरफ जाए, कॉल की तरफ जाए। ठीक है जी, ओके, अगर ये स्पीड से कॉल की तरफ जाए फिर मेरी कॉल की एंट्री लगेगी। आई नीड द स्पीड, तो ये लग, देखिए कितनी स्पीड से गई है एंट्री, थोड़ी सी लेट एंट्री लगी है, बट इट्स ओके, आई होप सो कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मेरी एंट्री अगर लेट लग गई तो मैं इसको रिकवर कर लूँगा। अगेन मैं अगर नीचे आती है तो यहाँ पे मैं एक दो एंट्रीज और ले लूँगा यहाँ पे। दिए देखिए थोड़ा सा और नीचे आ जाए, अभी 8-7 सेकेंड आए मेरे पास ट्रेड लेने के लिए। 4-3-2 के टाइम निकल गया। ओके जी, जैसा कि आपको मैं बता रहा था, यहाँ पे हमारा लेवल था, फर्स्ट टाइम टच किया, सेकंड टाइम टच किया, थर्ड टाइम देखें स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। अब इसके बाद हमारी एंट्री इस सूरत में लगती लगेगी जब यहाँ से कैंडल एकदम से स्पीड से ऊपर की तरफ जाए। क्यों, उसकी रीज़न क्या होती है? कोई रीज़न इसकी ये होती है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो है वो बायर्स का प्रेशर होता है। देखें यहाँ पे बायर्स का प्रेशर था, यहाँ पे बायर्स का प्रेशर था, डेफिनेटली इसने यहाँ पे विक भी दी है। यहाँ पे हमारा बायर्स का प्रेशर था, देखें बायर्स का प्रेशर कैंडल को कहाँ से कहाँ पर ले गया। ठीक है जी, मैं इस तरह से आप ये ट्रेड ले सकती हो। तो यहाँ पे मैं एक और ट्रेड अपनी ले सकता हूँ, कॉल बाय ट्रेड, देखिए विन भी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉल की एंट्री अगर स्पीड से कहना ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पे मेरी कॉल की एंट्री लग गई नीचे, ये कॉल की एंट्री और फिर लेट लग गई एंट्री। हमेशा एंट्री मेरी लेट लगती है, अगर नीचे आए तो मैं अगेन ले लूँगा एंट्री। यहाँ पे दो और चार, ये मैंने देखी दो एंट्री उसके साथ लगी है, बट इट्स ओके, आई होप सो कि मैं ये ट्रेड विन करूंगा। यार ट्रेड लेने की यहाँ पे रीज़न क्या थी, रीज़न सेम वही थी कि हमारा एक पैटर्न बना है जिस पैटर्न का नाम है इंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे मैंने अपनी तीन ट्रेड्स लिए हैं, पहली ट्रेड मेरी थोड़ी लेट लगी थी, इसको कवर करने के लिए मैंने दो और ट्रेड्स लिए, लेकिन वो भी थोड़ी सी लेट लगी है, बट आई होप सो कि मैं ट्रेड विन करूँगा, क्योंकि मुझे इंगल्फिंग जो है वो काफ़ी अच्छा मिला यहाँ पे। इसलिए जो है इंगल्फिंग पैटर्न होता है, अगर आपको इंगल्फिंग का नहीं पता, इंगल्फिंग पैटर्न होता है, मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस पैटर्न पे बनाई हैं जब मैं आईक्यू ऑप्शन पे अपनी ट्रेडिंग करता था। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरी तीनों की तीनों ट्रेडें विन हो चुकी हैं। ठीक है भाई लोग, तो इंगल्फिंग पैटर्न में हमें यहाँ पे अपनी ट्रेड ली है और विन भी हो चुकी है। अच्छा जी, तो अभी एक और वीडियो जो है वो ट्रेड लेते हैं, जरा देख लूँ कि वीडियो कितनी हुई है, अभी तो 3 मिनट की हुई है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न बन रहा है यार, एक यहाँ पे देखो ग्रीन रेड नहीं, यहाँ से रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। तो अगर ये कैंडल इसके लेवल में क्लोज होती है, यहाँ पर इसके लेवल में, यहाँ पर जहाँ ये दोनों कैंडल्स क्लोज हुई हैं, तो नेक्स्ट में कॉल की एंट्री ले सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे कॉल की एंट्री नेक्स्ट नहीं ले सकती। नहीं, अभी ये नीचे आ गई तो फिलहाल मेरी यहाँ पे कॉल की एंट्री रिस्की हो जाएगी, यहाँ पर मेरी कॉल की एंट्री भी रिस्की हो जाएगी, क्योंकि डाउन का मोमेंटम है, तो आप डाउन की एंट्री या लो तो ज़्यादा बेटर होती है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो नेक्स्ट में रेड के लिए एंट्री अपनी ले सकता हूँ, क्योंकि मोमेंटम हमारा डाउन का आ रहा है, इसलिए मेरी रेड की एंट्री यहाँ पे बन सकती है अगर ये कैंडल ग्रीन में बनती है, तो अदरवाइज मेरी यहाँ पे एंट्री नहीं बनती। ठीक है जी, ओके जी, अच्छा जी, तो पीछे कोई लेवल, ओके ओके ओके, तो यहाँ पे लेवल्स मौजूद हैं यार काफी सारे,
तो इसीलिए यहाँ पे पैटर्न भी नहीं बना, हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं यहाँ पे ड्रॉ, और लेवल को करते हैं हम डबल, ये मैंने किया इसको कॉपी, और ये मैंने इसको कर दिया यहाँ पे, ये मैंने ड्रॉ कर दिया लेवल एक, और लेवल यहाँ पे भी लेवल है कि इसको अगर यहाँ पे ड्रा कर दो ज़्यादा बेटर आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पे अब मेरी कॉल की एंट्री इस लेवल पर, अगर इस लेवल पर अभी ये वाली गणना अगर आ जाए तो मेरी काफ़ी अच्छी कॉल की एंट्री लग जाएगी, क्योंकि इस लेवल पर अगर गणना लगा तो नीचे आए तो मैं आपको बताऊँगा, अभी अगर नीचे आ जाती है तो वेल एंड गुड, मेरे पास सिर्फ अभी 10 सेकेंड है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं दे रहा यहाँ पे, क्योंकि मेरी मतलब कि जो है कैंडल नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न तो मैं देख रहा था, लेकिन यहाँ पे लेवल भी है तो इस वजह से उसको भी देखना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अपनी एंट्री शेंट्री कोई नहीं ले रहा, ठीक है जी। ओके तो यहाँ पर सेलर्स हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं इस जगह पर, फिर ग्रीन कैंडल पर मिली है, एंगल्फिंग तो नहीं है, जिसको एंगल्फिंग तो नहीं बोल सकते। तो फिलहाल एंट्री मेरी फ्लोर एंट्री यहाँ पर नहीं लग सकती, चांसेस हैं कि ये कैंडल रेड बने, हाँ दो ग्रीन दो रेड एक ग्रीन, या ये रेड बनने के चांसेस हैं। तो ये मैंने एंट्री ले, ये एंट्री मेरी काफ़ी रिस्की एंट्री है, बट मैंने एंट्री जल्दबाजी में यहाँ पे एंट्री ले ली, ये मेरी पहले बता दी मेरी रिस्की एंट्री है, ठीक है। एंट्री यहाँ पे मैंने क्यों ली है, क्योंकि मोस्टली इस तरह होता है मार्केट की, मैं पूछा तुम आजकल मार्केट में क्या चलता है, इस तरह होता है कि यार जब रेड ग्रीन पैटर्न बनता है तो उसके बाद अगर दो रेड आ जाती हैं, फिर एक आती है ग्रीन, फिर दो रेड आ जाती हैं, फिर एक आती है ग्रीन, तो इसको देख के मैंने यहाँ पे एंट्री ली है। यहाँ पे लेट्स सी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ तो ली थी एंट्री मैंने यहाँ पे, लेकिन ओके लास्ट सेकंड में हम ये ट्रेड विन कर चुके हैं, देखें तो हमारी ट्रेड यहाँ पे विन हो गई है। यहाँ पे दो रेड हैं और दो ग्रीन हैं, तो मेरे ख्याल से कैंडल नीचे जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ लगी है, इसलिए मेरी ट्रेड ये विन हो गई है। मैंने आपको पहले बताया ये ट्रेड मेरी रिस्की है, इस ट्रेड को आपने फॉलो नहीं करना जो ये बोली है अभी जो मैंने ट्रेड ली अपनी, ठीक है। अच्छा ये मार्केट के कुछ रूल्स होते हैं, वो देख के जो है मैं एंट्री ले लेता हूँ समटाइम, ये देते साथ ही मैंने आपको बताया था कि इसको आपको फॉलो नहीं करना। तो अभी एक और एंट्री ले लेते हैं यार, ओके स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे लेवल और कौन सा था यार, ये एक लेवल था ऊपर करके काफी, एंट्री तो नहीं बन रही इधर हमारी फिलहाल, मैं ज़रा पेयर चेंज कर लेता हूँ यार। ओके काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल जहाँ पे हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, ओके तो यहाँ पे ये जो यहाँ से कैंडल रिवर्स हुई है, यहाँ पे ये देखो जो ऑलरेडी लेवल जो पहले लगा हुआ था जहाँ से बल्कि कैंडल जो है वो, एक सेकेंड यार किधर गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई यहाँ पर, ये देखो ये इसका यहाँ से कैंडल जो है बार बार रिवर्स हो रही है, जो इसने अपना एक हाई पॉइंट बनाया है ना मार्केट में, थोड़ा सा और नीचे एक छुप जाता है यार ये। अच्छा तो यहाँ से हमारी कैंडल अभी रिवर्स हो रही है, देखें यहाँ से टच किया कितना स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ कैंडल आई, तो यहाँ पे एंट्री तो फिलहाल नहीं बन रही है। तो मैं ज़रा पेयर अपना कर देता हूँ चेंज, यहाँ पर क्या हो रहा है यार, यहाँ पर अगर मैं टीए लगा के जाऊँ तो यहाँ पर ये मेरी कॉल की एंट्री लगती है, अगर ये कैंडल नीचे आए इस जगह पर आए तो मेरी काफ़ी सेव कॉल की एंट्री लगेगी, सेव होकर मैं कॉल की एंट्री ले सकता हूँ यहाँ पर, अगर मेरी कैंडल आए तो, क्योंकि यहाँ पे एक टीए आ रही है, अगर यहाँ पे नीचे आ गई तो मैं आपको बता भी दूंगा, फिर अगर ये इस पॉइंट पर आती है तो मेरी एंट्री लग जाती है कॉल की, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, थोड़ा सा और नीचे, 4 सेकंड रह गए, 3 2 लग गई, ओके जी अब यहाँ पे मैंने कॉल की एंट्री ली। अब देने की रीज़न क्या है भाई लोग, ये देखो ये सिंपली ये एक चीज़ देख लो,
यहाँ पे मैंने ड्रॉ अभी कर लेता हूँ, आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे यहाँ से उठा के सिंपली मैं इसको ये चिपका देता हूँ, ये मैंने इसको चिपका दिया। अब यहाँ पे आपको क्या फील हो रहा है, थोड़ा सा अगर मैं इसको ये मैंने लगा लिया, आप ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा है, तो ये रीज़न थी भाई लोग सिंपली यहाँ पे कॉल की एंट्री लेने की, यहाँ पे एक लेवल था। अब यहाँ पे आप सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने के लिए जाएँ तो वो भी हमारा यहाँ पे ये देखो ये बन सकता है, ये देखो कितना अच्छा हमारा लेवल है ये वाला, ये मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ यहाँ पे अपना सपोर्ट लेवल। तो ये क्या हो गया यार, ये मेरा रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट चैनल पर आ रहा है। ओहो, मेरी एंट्री में ख्याल से एक सेकेंड लेट लग गई थी, मेरी एंट्री एक सेकेंड लेट लग गई, तो मेरा रिजल्ट जो है अभी नेक्स्ट चैनल पर आ रहा है। तो ये मेरे लिए बैड सीन हो गया, मेरी बदकिस्मती ये कि यहाँ पर एक सेकंड मेरी एंट्री लेट लगी थी। हालांकि मेरा रिजल्ट इस कैनल पर आना था, लेकिन अब मेरा रिजल्ट इस कैनल पर आ रहा है। इस कैनल पर देखें, ये कैनल किस तरह रिवर्स हुई है, यहाँ से ऊपर तक गई है, क्लोज तो रेड में हुई है लेकिन कितना ऊपर तक गई है, यहाँ से बायर्स ने कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर दिया ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर टी एल थी और लेवल भी था, पहले कैनल ने बहुत स्ट्रॉन्ग इस लेवल को रिजेक्ट किया है, रिवर्सल साइन भी बना है यहाँ पे, लेकिन ये प्रॉपर रिवर्सल नहीं है। प्रॉपर रिवर्सल सब होता है कि जब ये ग्रीन बनती, टी एल भी थी और सपोर्ट लेवल भी था और रिवर्सल भी मिला। अगली कैनल यहाँ तक आई थी, मैंने कॉल की एंट्री, तो यहाँ पर ओके ओके, तो हम ये ट्रेड विन कर चुके हैं जी, आपके सामने ट्रेड विन कर चुके हैं, ठीक है जी। तो हालांकि एक सेकंड लेट हो गया था मैं इस ट्रेड में, लेकिन मैं विन कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक और ट्रेड लूँगा, बड़ी मज़े की मेरी ट्रेड यहाँ पर बन सकती है, तो ये ले ली मैंने ट्रेड, ओके जी, ये मेरी लास्ट ट्रेड होगी। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि अब मेरा यहाँ पे ग्रीन हैमर बना है, जब ये ग्रीन हैमर बना है तो मैंने काफ़ी नीचे एंट्री ली है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये यहाँ पे ये होगा कि यार अगर ये कैंडल रेड में भी बनती है नीचे, तो फिर भी मेरे यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल टी एल के ऊपर ट्रेड ली है, सपोर्ट पॉइंट के नीचे ट्रेड ली है, तो ये मेरी बिल्कुल सेफ एंट्री है। तो डेफिनेटली आई विल विन दिस ट्रेड इजीली, क्योंकि ये मेरे मतलब का पैटर्न बना है, ग्रीन हैमर बना है और सपोर्ट वाला एरिया भी था, इसलिए हम मैंने यहाँ पे अपनी जो है एंट्री ले ली है, ठीक है जी। दो एंट्री मैंने आपके सामने एक साथ ली हैं इस पेयर पे, तो आज मेरे ख्याल से मैंने 5 एंट्रीज वगैरह ले ली हैं, तो सा गुड साइन फॉर मी, आपके लिए भी अच्छा साइन है कि यार ज़्यादा एंट्रीज ली हैं, ठीक है जी। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।